ये हमारे शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। तो आप इसे चाहे गरम खाएं या फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, दोनों ही में मज़ेदार लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ाला मिर्ज़ा और अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली की मशहूर स्वीट डिश शाही टुकड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। ये मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं और इनके किनारे कट कर दिए हैं और इनको ये ट्रायंगल शेप दे दिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में इसको रख सकते हैं। और इसमें जो ड्राई फ्रूट जाएंगे वो ये हैं पिस्ता, पिस्ते को मैंने बारीक काट लिया है। ये बादाम है, बादाम को भी मैंने काट लिया है। और ये नारियल है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये हरी इलायची जिसका पाउडर बना लिया है मैंने। और ये चीनी ली है हमने अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी डाली। और ये लिया है मावा मैंने 100 ग्राम। ये फुल फैट दूध लिया है 1/2 लीटर। ब्रेड को फ्राई करने के लिए हम घी गरम कर लेंगे। ये मैंने देसी घी लिया है, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन शाही टुकड़े घी में ही बनाए जाते हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम करके फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करना है हमें इसे। देखिए बस ये कलर ही, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है इसका। फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें, तेज़ मत कीजिएगा वरना बहुत जल्दी जल्दी फ्राई होने लगेंगे और तेज़ हो जाएंगे, तेज़ फ्राई होने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। हमें गोल्डन कलर चाहिए ब्रेड का। हमारी ब्रेड फ्राई हो गई है, देखिए इसका कलर ऐसे ही गोल्डन आना चाहिए, लाइट गोल्डन। अब हम शाही टुकड़ों के लिए रबड़ी बना लेंगे। इसके लिए हम दूध को पैन में डाल के बॉईल करेंगे। अब हमारे दूध में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे खोया। डालेंगे चीनी, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, बस थोड़ा सा ही। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्लेम को हम हल्का हरी रखेंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे हम जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी पकने में ही गल जाए थोड़ा। अभी ये दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो अब हम इसके अंदर ये ब्रेड डिप करके निकालते जाएंगे, सोक करेंगे और इसको निकाल लेंगे।
अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। थोड़ा और गाढ़ा हो जाए ये रबड़ी की तरह से, जब ये पक जाएगा तो हम इसको स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। अभी हम रबड़ी इसके अंदर डाल देंगे। पूरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे इससे। चांदी का वर्क लगाया है और अब ये पिस्तों और बादाम से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारे शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। आप चाहे इसे गरम गरम खाएं या फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, दोनों तरह से ही ये दो बहुत मज़ेदार लगते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमें कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ कैसी लगी। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।